नमस्ते ओम शांति। आज आपका 246 दिन का ईश्वरीय वरदान। पर इस वरदान में आगे जाने से पहले, आप इस चैनल पर जो आए हुए हैं, सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन, आपके चैनल का नाम है और यहाँ पर प्लेलिस्ट है एक, जिस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सिर्फ ब्लेसिंग ही नहीं लेकिन आप योग आसन सीख सकते हैं, डिप्रेशन को कैसे हटाना है उसके बारे में सीख सकते हैं, आप कैसे पेरेंटिंग में कैसे आगे बढ़ना है, राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग क्या है ताकि बच्चे आपकी बात सुने, और साथ ही साथ डाइटिंग और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी, चेयर पर बैठ के एक्सरसाइज कैसे करनी है, हेल्थ को कैसे देखना है, सोने की कला, रात को नींद अच्छी आए उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में दिया गया है। और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मिसिंग है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, उस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे ज़रूर। तो आज का ईश्वरीय वरदान, परमपिता परमात्मा कहते क्या है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। बाबा कहते हैं, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले, स्वयं को सेवाधारी समझकर, सिर्फ सेवा करते समय नहीं, मैं हर सेकंड हर समय, चाहे घर में काम कर रहे हो, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे एनजीओ में काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस में हो, आप हर समय आप सेवाधारी हो, और की सेवा में हो, सेवा लेने वाले नहीं, सेवा देने वाले। स्वयं को सेवाधारी समझ कर झुकने और सर्व को झुकाने वाले, ये नहीं कि मैं झुका तो और भी झुको, नहीं वैसे नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। निमित्त और नम्र चित्त भव, मैं निमित्त आत्मा हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, मेरे को परमात्मा ने चूज़ किया है तो मेरे गुण दिखने चाहिए और को अवगुण नहीं। और नम्र चित्त मीन्स हम्बल, मेरे अंदर नम्रता हो, ये इम्पोर्टेंट है। देखें विस्तार में, बाबा कहते हैं, निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर दे। कि परमपिता परमात्मा इस सिचुएशन में होते तो वो क्या अहंकार में आते? नहीं। ईर्ष्या में होते? बिल्कुल भी नहीं। परमपिता परमात्मा गॉड फादर हैं, वो कैसे ऐसे नेगेटिव सोच सकते? तो मैं उनका बच्चा हूँ, मेरा क्या होना चाहिए? क्यों भूल जाते हैं बार बार कि मैं उनका बच्चा हूँ? क्योंकि हम याद करते हैं मैं किसके दुनियावी पिता के माता के बच्चे हैं हम, वो जब याद आता है, धन संपत्ति याद आते हो, अहंकार आता है। पापा कहते हैं इस चीज़ को हटाओ। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी, ये सीक्रेट है। संस्कार मतलब हैबिट्स में, मेरे को रिप्लाई देने की आदत है, किसी ने मेरे साथ बुरा बोला, मैंने बोल दिया उसको, उसको उसकी जगह दिखा दी मैंने, ये संस्कार नहीं। संकल्पों में अंदर अंदर हम झुक रहे नहीं हैं लेकिन बाहर से दिखा रहे हैं कि उनकी पोस्ट ऊंची है, उनकी पोजीशन ऊंची है, मेरे को वो नौकरी से निकाल देंगे या मेरी डिमोशन कर देंगे इसलिए मैं झुक रहा हूँ, दिखावे वाला नहीं। सच्चा झुकना है, झुकना मतलब नम्रता। किसी को भी अगर आप नीचे गिराएंगे, किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, कोई भी आत्मा अपने आप को आपसे कम नहीं समझना चाहती है, ये फर्स्ट रूल है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटी का रूल है, चाहे आप धोती पहन करके कूदें, चाहे आप लुंगी पहन करके कूदें, चाहे आप सूट बूट लगा करके कूदें, लेकिन आप गिरेंगे नीचे तो आपको भी लगेगी अच्छे से चमाट। तो परमात्मा कहते हैं उसी तरीके से नम्रता, अगर आप किसी भी आत्मा को नीचे दिखाएंगे कि आपसे वो नीचे हैं, वो आत्मा आपको 10 गुना नीचे दिखाने की कोशिश करेगी, ये रूल है, लॉ है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि नम्र हो जाओ, झुकना ही झुकाना है औरों को। तो ये नहीं कि मैं इसलिए झुक रहा हूँ ताकि वो झुके, नहीं, ये फिर नम्रता नहीं हुई, ये अहंकार हो गया, ये मैनिपुलेशन हो गया, ये भी नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुकें तब तो मैं झुकूं, क्योंकि वो नहीं झुकते तो मैं क्यों झुकूं, अहंकार। परमात्मा ने जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वे सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। तो परमात्मा किस प्रकार की आत्मा को यहाँ से लेके जाएंगे? अगर आप देखें तो एक शास्त्र है जिसको हम कहते हैं बाइबल, उसमें भी लिखा है, कहीं और शास्त्रों में लिखा है कि लास्ट में जो मीक और वीक होंगे, जो कमज़ोर होंगे, जो झुकने वाले होंगे, वो मेरे स्वर्ग में जगह पाएंगे, वो राज्य करेंगे। लेकिन आज कलयुग में क्या है कि अगर आप किसी को दबाओगे नहीं तो आपको दबा देगा, यही सोचा जाता है ना। परमात्मा कहते हैं वो इंसान जो और को दबा करके आगे बढ़ता है वो कभी स्वर्ग में, मेरे स्वर्ग में जगह नहीं पाएगा। तो लोग जो सहन कर लेते हैं, इस समय कमज़ोर देखोगे आप, लोग आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, लोग आपको आगे बोलेंगे वो तो आपके ऊपर चिल्ला रहा था, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी, आप चिल्ला के उसको उसकी जगह दिखा दो, उसको उसका सबक सिखा दो, नहीं। परमात्मा कहते हैं कि जो सहन कर लेगा वो शहंशाह बन जाएगा। तो ये आज का ईश्वरीय वरदान, इसके बारे में अगर आपके कुछ अनुभव है, एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो और के साथ भी शेयर करिएगा, लेकिन नम्रता से शेयर करिएगा, उसको चेंज कर देंगे, उसको सिखा देंगे, वो सोच करके मत करिएगा। तो आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ओम शांति।